गुड मॉर्निंग पीपल इन द जूम कॉल, कैन यू हियर मी एंड सी मी? प्लीज गिव मी अ थम्स अप इफ यू कैन डू सो। ओके लेट्स स्टार्ट। सो गुड मॉर्निंग। हाँ कर ली। ओके सर, और कुछ आदेश? कम इन। चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। कल जिस जिसने असाइनमेंट नहीं किया हो ना, वो आज असाइनमेंट करके मेरे को दे दे 2 बजे से पहले पहले, ठीक है? एनीवे लेट्स। हाँ भाई मेरे पास 350 कॉपियाँ मेरे पास में है, एक दिन थोड़ा चेक करूँगा कोई, दे दूंगा 2-4 दिन में तुम्हारा असाइनमेंट एग्जामिन हो जाएंगे फिर तुम्हारे को दे दूंगा, ठीक है? कोई बात नहीं, तुमको नहीं दूंगा, ठीक है? चलो एनीवे एज डिस्कस्ड यस्टरडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक टुडे। द टॉपिक इज चैप्टर नंबर 10, फॉर्मल लेटर्स एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ओके हाँ क्या? हाँ कल वाला? क्या कल वाले का? वो उसका रेज्यूमे का एक दिन अपन कंसोलिडेशन क्लास में ले लेंगे उसको, ठीक है? आज नया चालू करते हैं एक बार के लिए, ठीक है? कंसोलिडेशन में ले लूंगा, डोंट वरी। हाँ क्या मीनिंग? अच्छा वर्ड्स का मीनिंग। ओके एनीवन गॉट अ न्यू वर्ड फॉर मी? यस मंजीत, सॉरी ओनोमोटोपिया। कौन से पिया को देख रहा है भाई? मोरे पिया ओनोमोटो में। हाँ हाँ तो अर्थानुरण का मतलब क्या होता है? अच्छा इसका मतलब भी नहीं पता। ओके इसका चलो मैं भी करके लाऊंगा, ठीक है? एनीवे एनीवन एल्स? क्या? इट्स नॉट फेनोमिनन, इट्स कॉल्ड एज फिनोमिना, ठीक है? द स्पेलिंग इज PHENOMENON, राइट? द वर्ड इज कॉल्ड एज फिनोमिना। फिनोमिना का हिंदी मतलब क्या होता है? हाँ तथ्य, फिनोमिना। हाँ सेंटेंस बताइए। ठीक है चलो, अच्छा यार नया वर्ड आ रहा है, ठीक है? सो द वर्ड इज नॉट फेनोमेनन, द वर्ड इज कॉल्ड एज फेनोमेना, ठीक है? हाँ निखिल बताओ। फॉर्चुनेट, द वर्ड इज कॉल्ड एज फॉर्चुनेट, FORTUNATE, फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट का मतलब होता है क्या? भाग्यशाली। आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू पीपल, कि मेरा भाग्यशाली हूं मैं कि आप लोगों के सामने बैठा हूं मैं, ठीक है? क्या यूथनेशिया होगा वो? EUTH है ना, वो वाला स्पेलिंग है ना? अच्छा यूथनेशिया का स्पेलिंग बताओ एक बार। गाइस हेलो, कौन कौन बातें कर रहा है? अब बातें बंद करो। The word is called as euthanasia, EUTHANASIA, euthanasia. Euthanasia का मतलब होता है खुद की लाइफ को खत्म करने की परमिशन लेना, अच्छा व्यक्त करना है परमिशन लेना। हाँ suicide नहीं, बेसिकली क्या होता है, इट्स नॉट कॉल्ड suicide. लाइफ खत्म करना एक ऑफिशियल तरीके से सरकार के उसे अनुमति से। आप में से किसी ने मूवी देखी ऋतिक रोशन की, कौन सी आई थी उसमें मैजिशियन बना था वो, गुजारिश देखी किसी ने? दैट मूवी इज बेस्ड ऑन यूथनेशिया ओनली। तो कोई उस मूवी को देखना कभी, उस मूवी के बारे में पता करना, यू विल गेट टू नो यूथनेशिया का मतलब क्या होता है, ठीक है? गुजारिश, ठीक है? एनीवन एल्स? यस यस हाँ ग्लिच, GLITCH राइट? GLITCHES, the word is called as glitches. Glitches in the matrix. हाँ क्या? कमियां, glitch मतलब किसी चीज में कमी होना।
बेसिकली क्या होता है, आपने कभी वो देखा होगा, दिस वर्ड इज कॉल्ड एज ग्लिचेस इन द मेट्रिक्स, ठीक है, कि कोई मैट्रिक्स के अंदर कोई कमी होना उसे हम कहते हैं ग्लिच इन द मैट्रिक्स, ग्लिच इन द पावर ग्रिड, ग्लिच इन द मैट्रिक्स, ग्लिच इन द कम्युनिकेशन। ठीक है, बैठ जाओ। हाँ हाँ अभिनव बोलो। क्लैरिट, द स्पेलिंग इज क्लेरिक, द वर्ड इज कॉल्ड एज क्लेरिक, CLERIC, क्या मतलब होता है इसका? अच्छा ठीक है, जो लोग पूजा पाठ कराते हैं, जो लोग नमाज पढ़वाते हैं, क्लेरिक्स। ठीक है, हाँ। हॉस्टाइल, द वर्ड इज कॉल्ड एज हॉस्टाइल, HOSTILE, हॉस्टाइल, एंड व्हाट डज दैट मीन? विरोधी। ओके हाँ? आज मोबाइल नंबर मांगोगे, कल इंस्टाग्राम आईडी मांगोगे, है ना? अच्छा वो पता है? अरे वाह, जब भी तुम लोगों का बैच खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद करूंगा, एक्सेप्ट भी और फॉलो बैक भी। ठीक है, ये मेरा रूल है, छोटा सा रूल है ये मेरा। ठीक है, एनीथिंग एल्स? उसूल है मेरा। हाँ आप बताओ। वेरी गुड। हाँ ड्रिब्यूज, अच्छा क्या मतलब होता है इसका? हाँ श्रद्धांजलि देना। ओके बैठ जाओ। ओके हाँ आप बताओ। ग्रेवयार्ड, द वर्ड इज कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड, GRAVEYARD, ग्रेवयार्ड का मतलब होता है मुर्दा घर या मुर्दा शमशान घाट, कब्रिस्तान, शमशान, व्हाट्स एवर आप बोलना चाहो, है ना? ऐसे कब्रिस्तान वुड बी अ मच बेटर वर्ड, क्योंकि वहां पे दफनाया जाता है इसलिए। ठीक है, मुर्दा घर को मोर्च कहते हैं, राइट, मैंने गलत बोल दिया। हाँ यस आप, हाँ सस्टेन, इनफ टॉकिंग, द वर्ड इज कॉल्ड एज सस्टेन, SUSTAIN, सस्टेन, एंड व्हाट डज दैट मीन? हाँ भुगतना, सस्टेनेबिलिटी, ये भी इसका एक वो रहेगा, सिनोनिम रहेगा, राइट, सस्टेन करना, भुगतना, उस चीज को सस्टेन करना। ठीक है, गुड बॉय, चलो। हाँ आप बताओ। हाँ रिवोक, द वर्ड इज कॉल्ड एज रिवोक, REVOKE, रिवोक, एंड रिवोक का मतलब होता है? हाँ निरस्त करना। ओके रिवोकिंग समथिंग, रिवोकिंग द जजमेंट, रिवोकिंग द कम्युनिकेशन, रिवोकिंग द एक्शन, राइट। सिट डाउन, लास्ट वर्ड कौन बताएगा? हाँ सीईओ साहब बताओ। प्रोजेक्शन, द वर्ड इज कॉल्ड एज प्रोजेक्शन, PROGECTION, सॉरी PROJECTION, प्रोजेक्शन, एंड व्हाट डज दैट मीन? परिपक्ष, प्रोजेक्शन मतलब कुछ चीज को प्रोजेक्ट करना। ठीक है, ये प्रोजेक्टर है, कुछ चीज को प्रोजेक्ट कर रहा है ये, प्रोजेक्शन मतलब अपने अपनी पर्सनालिटी का प्रोजेक्शन करना, अपने कोई मूड का प्रोजेक्शन करना, अपने इमोशन का प्रोजेक्शन करना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, ठीक है, इनफ वर्ड्स फॉर टुडे। आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों के वर्ड्स का जो अब लेवल है ना, थोड़ा ऊपर जाने लग गया है अभी। पहले इट वॉज मोर और लेस वेरी बेसिक वर्ड्स आते थे, बट अब काफी अच्छे वर्ड्स आने लग गए। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। हाँ मेरे मेरे लिए, हाँ तुम लोग मेरे लिए कुछ लाना चाहो ना अगर, तो पढ़ के आ जाया करो। ठीक है, वर्ड्स भी लाया करो, पढ़ के भी आ जाया करो। ठीक है चलो, एनीवे लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। द टॉपिक इज कॉल्ड एज फॉर्मल लेटर्स एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन। हम लोग जो है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग सब्जेक्ट CA फाउंडेशन के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम लोगों का बिजनेस कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो सके, राइट? हम लोग के एक फॉर्मल सेटिंग में जाके, एक ऑफिस सेटिंग में जाके जब लोगों से कम्युनिकेट करें, अपने बॉसेस से, सुपीरियर से, सबॉर्डिनेट से, पीयर से, क्लाइंट से, किसी से भी हम लोग कम्युनिकेट करें, तो वो कम्युनिकेशन हमारा अच्छे से अच्छा होए, राइट? इसलिए पढ़ रहे हैं या कोई और वजह है पढ़ने की? एग्जाम पास करना है? नहीं ना, ऐसी कोई वजह थोड़ी ना है। ठीक है, वो तो है ही, एक रीज़न है ही, बट मोर और लेस हम ये सीखना चाहते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन आगे जाके इम्प्रूव होता रहे।
फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट कम इज राइटिंग फॉर्मल लेटर्स और राइटिंग लेटर्स. लेटर का मतलब सबको पता है, चिट्ठी, पत्र, राइट. एक चिट्ठी किसी को भेजना, उसे हम कहते हैं सेंडिंग ऑफ अ लेटर. आज के टाइम पे ईमेल का टाइम है, चलो ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे आप कुछ भी फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किसी के साथ करना चाहते थे तो आप करते थे उसको चिट्ठी लिख करके, पोस्ट कार्ड लिख के, पत्र लिख करके, व्हाट्सोएवर, ठीक है. कल हम लोगों ने जो किया था रेज्यूमे राइटिंग वाला, उसके अंदर भी हमने एक चीज़ लिखी थी रेज्यूमे से पहले, कॉल्ड एज अ कवर लेटर, ठीक है. चिट्ठी लिखी थी हमने एचआर मैनेजर को कि आपकी कंपनी में पोस्ट खाली है, मैं वहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ, ये मेरे लगभग लगभग क्वालिफिकेशन, ये मेरी क्वालिटी है, आपको मैं अप्लाई करना चाहता हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि आपकी तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए मेरे पास में, ताकि मैं वहाँ पे आकर के इंटरव्यू दे सकूँ, राइट. लेटर, चिट्ठी, लेटर लिखा जाएगा तो कौन से फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में लिखा जाएगा? फॉर्मल इनफॉर्मल तो लिखा जाएगा, लेकिन नॉन वर्बल लिखा जाएगा, वर्बल लिखा जाएगा? वर्बल. वर्बल के अंदर कौन से वर्बल कम्युनिकेशन लिखा जाएगा? रिटन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर. रिटन वर्बल कम्युनिकेशन के हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं, देयर वुड बी अ लैंग्वेज. लैंग्वेज से वी विल टेक आउट सम वर्ड्स, फ्रॉम दोज वर्ड्स वी विल फॉर्म अ सेंटेंस एंड फ्रॉम दैट सेंटेंस वी आर गोइंग टू बेसिकली कम्युनिकेट विद द अदर पर्सन, ठीक है. तो किसी पर्सन को चिट्ठी लिख करके, चिट्ठी या तो टाइप करके, प्रिंट करके, या तो हाथ से लिख करके कम्युनिकेट करने को हम लोग कहते हैं लेटर राइटिंग, सेंडिंग अ लेटर, फॉर्मल इनफॉर्मल व्हाट्सोएवर, ठीक है. चले, कहीं चलना नहीं, मतलब आगे बढ़े, मतलब ठीक है. इट सेज लेटर्स आर ट्रेडिशनल एंड पॉपुलर मेथड ऑफ अ कम्युनिकेशन. अ लेटर इज रिटन मैसेज सेंड फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर दैट कंटेन्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. Letters perform the function of bringing friends and relatives closer together, enhancing professional relationships and providing a means of expressing one's views or feelings. ठीक है, ये बताया गया है इसके अंदर. Letters जो होते हैं ना, ये traditional form of communication होते हैं. जब भी हमारे पास में email, फ़ोन की सुविधा, SMS की सुविधा, WhatsApp की सुविधा इतनी नहीं हुआ करती थी, उस टाइम पर हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे लेटर्स लिख करके. अपने पेरेंट्स से सब लोग पूछना जा करके, जब भी वो लोग छोटे थे, जब भी वो लोग तुम्हारी एज से भी छोटे हुआ करते थे, तो उस टाइम पे ना बहुत सारे तरह के रिटन कम्युनिकेशन से वो लोग अपने रिलेटिव से, फ्रेंड्स से बातें किया करते थे. कई लोग लेटर लिखा करते थे, कई लोग पोस्ट कार्ड लिखा करते थे, कई लोग जो है ना उस टाइम पे ना टेलीग्राम जाया करता था. टेलीग्राम पता है किसी को क्या होता है? आज वाला टेलीग्राम नहीं, एप्लीकेशन टेलीग्राम नहीं, पहले वाला टेलीग्राम पता है क्या होता था? तार बोलते थे उसको. दैट वॉज द फास्टेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. एक लाइन में पूरा मैसेज होता था, मतलब एक एक वर्ड के पैसे लगते थे उसके अंदर, ठीक है. आपको जो मैसेज भेजना है, एक एक वर्ड के आपको पैसे लगा करते थे. सपोज अगर मानो मेरी शादी है, तो मैं अगले को इन्फॉर्म कैसे करूँगा? मेरी शादी है 23 तारीख को, आ जाना, ठीक है. दैट्स इट, दिस द तार. हाँ, नाम, एक सेकेंड, उसका क्वेश्चन आया नाम नहीं लिखते थे क्या? देखो, नाम जो है ना सेंडर्स एड्रेस के अंदर आया करता था वो, ठीक है. जो बेस, जो बॉडी ऑफ द मैसेज हुआ करता था ना, कॉन्टेंट ऑफ द मैसेज हुआ करता था, उसके अंदर चार या पांच वर्ड्स का मैसेज लिखा जाया करता था. तार या टेलीग्राम तब लिखा जाता था जब भी कोई बहुत अर्जेंट इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे को दी जानी हो दूसरे शहर के अंदर, राइट. सो अभी वो तार का तो छोड़ दो अपन, ठीक है. लेटर राइटिंग, लेटर इज अ रिटन मैसेज सेंड फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर दैट कंटेन्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है. लेटर्स जो होते हैं ना, ये बहुत तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रिंगिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स टुगेदर, एनहैंसिंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स एंड प्रोवाइडिंग अ मीन ऑफ एक्सप्रेसिंग वंस व्यूज और फीलिंग. किसी पर्सन के अंदर के व्यूज को, उसकी भावनाओं को, इमोशंस को, बिहेवियर को, मैसेज को, इंटेंट को, इन्फॉर्मेशन को किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर करने के लिए लेटर जो है एक बहुत अच्छा मीडियम माना जाता है. क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर सब रिटन कम्युनिकेशन में होता है. आपके पास में रिटन, आपके पास प्रूफ होता है कि अगला पर्सन क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता है, क्या व्यू शेयर करना चाहता है, क्या करना चाहता है. इवन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम लेटर जो होता है फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए भी बहुत अच्छा होता है. सपोज 2-3 days, 2-3 years, 10 years डाउन द लाइन अगर उस बात को रिमेम्बर करना होता है, तो लोग आज भी जो है चिट्ठी पढ़ते हैं, पोस्ट कार्ड पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं, ठीक है. अब जो लेटर्स होते हैं ना, लेटर्स दो तरीके के होते हैं.
कम्युनिकेशन कितने तरीके के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस? दो तरीके के, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो अगर चिट्ठी एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है तो ये भी दो तरीके की होगी, फॉर्मल या इनफॉर्मल। ठीक है, इनफॉर्मल चिट्ठियां कौन सी होंगी? कलीग्स को, दोस्तों को, स्पेशल फ्रेंड्स को जो लिखी जाती है उसे हम बोलते हैं इनफॉर्मल चिट्ठियां या इनफॉर्मल लेटर्स। ठीक है, ये लेटर्स जो होते हैं आपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, दूर के रिलेटिव्स को, या कोई भी चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को, आइडिया को इनफॉर्मली जताने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए आप इनफॉर्मल लेटर्स या इनफॉर्मल चिट्ठियां लिखते हो। दूसरी तरह की चिट्ठियां होती हैं कॉल्ड एज फॉर्मल लेटर्स। अब फॉर्मल लेटर्स या फॉर्मल चिट्ठियां क्या होंगी? जिसके अंदर कोई ना कोई फॉर्मल इन्फॉर्मेशन, फॉर्मल आइडिया, फॉर्मल व्यू जो है किसी और के साथ शेयर किया जाएगा, राइट? हमने कल जो एक कवर लेटर किया था, क्या वो एक फॉर्मल लेटर था या इनफॉर्मल लेटर था? क्यों फॉर्मल लेटर क्यों था वो? कोई हैंड रेस करके बताएगा मेरे को? हाँ, किसी ऑफिशियल पर्सन को लिख रहे थे हम लोग, एक ऑफिशियल पोस्ट के लिए लिख रहे थे, एक ऑफिशियल आइडिया इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए लिख रहे थे। कल वाले लेटर के अंदर, कवर लेटर के अंदर क्या आइडिया, क्या इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही होगी? जॉब के लिए। क्या जॉब के लिए? कि आपके पास जॉब की वैकेंसी है, मैं आपकी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, तो फॉर्मल वे के अंदर एक फॉर्मल कम्युनिकेट करके वो लेटर या चिट्ठी जो है फॉर्मल पर्संस को लिखी जाएगी। लेट्स सी किताब में क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट सेज इनफॉर्मल लेटर आर द लेटर रिटन टू पीपल यू आर फेमिलियर विद। ठीक है, सही बात है, आप जिन लोगों से फेमिलियर हो गए, अपनी फ्रेंड से, फैमिली से, स्पेशल फ्रेंड से, उन्हीं को लिखोगे आप लोग, लाइक रिलेटिव एंड फ्रेंड्स। दे आर यूज फॉर कैजुअल एंड पर्सनल कम्युनिकेशन। अपना पर्सनल कम्युनिकेशन करने के लिए या कोई कैजुअल कम्युनिकेशन करने के लिए आप उस टाइप ऑफ लेटर का, चिट्ठी का उपयोग करोगे आप लोग। ठीक है, इट सेज व्हाइल राइटिंग इनफॉर्मल लेटर्स वी कैन मेक यूज ऑफ अ पर्सनल एंड इमोशनल टोन। कल वाले जो अपने कवर लेटर बनाया था, क्या उसमें हमने कोई इमोशनल टोन का यूज किया था? क्या हमने कोई इमोशंस का यूज किया था? मिस फे फर्नांडिस, बड़ी बहन हो ना, दे दो नौकरी प्लीज। नहीं ना, ऐसा नहीं किया था ना, अपन ने एक फॉर्मल तरीके से लिखा था अपन ने, राइट? इनफॉर्मल लेटर्स के अंदर आप इमोशंस एंड एक अच्छे टोन के अंदर उस मैसेज को लिख सकते हो। लैंग्वेज जो होती है वो आपके टोन और इमोशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, इट सेज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक इनफॉर्मल लेटर को लिखने के लिए कोई फॉर्मैट, कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मैट, कोई स्पेसिफिक फॉर्मैट नहीं होता है। इनफॉर्मल लेटर आप किसी को किसी भी टोन में, किसी भी इमोशन में, किसी भी तरीके से लिख सकते हो। उसमें ऐसा नहीं आएगा डियर पापा, डियर मम्मी, सब्जेक्ट आई वॉन्ट टू से हाई टू यू, ऐसा कुछ नहीं आएगा। वो सिंपल सा होगा, अपना नाम लिखोगे, पापा मम्मी को, जिसको भी लेटर लिख रहे हो, हाय हेलो करोगे, एंड अपना जो भी आप इमोशनल या फिर अपना आइडिया, बिहेवियर या कुछ भी उनका शेयर करना चाहते हो वो सब उसके अंदर लिखोगे, राइट? गॉट इट? आगे चले, अरे क्या हो गया, फॉर्मल लेटर्स। अगर इनफॉर्मल लेटर है, अगर उसको लिखने का कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं होता, तो क्या मैं बोल सकता हूँ उसका जस्ट उल्टा, कि फॉर्मल लेटर्स को लिखने के लिए एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होगा, राइट? चाहे आप एप्लीकेशन लिखो, चाहे आप कवर लेटर लिखो, चाहे आप कोई और अदर इंफॉर्मेशनल लेटर लिखो, आप उस फॉर्मल लेटर को लिखने के लिए एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट हमेशा आपको फॉलो करना पड़ेगा। कल वाले लेटर में क्या किया था? ऊपर एड्रेस लिखा था खुद का, फिर नीचे किसका एड्रेस लिखा था? जिसको भेज रहे थे, फिर सब्जेक्ट लिखा था, उसे बॉडी ऑफ द लेटर लिखी थी, फिर योर सिंसियरली, उसे नीचे नाम लिख के सिग्नेचर किया था अपन ने, राइट? ऐसे ही कुछ किया था, राइट? सो फॉर्मल लेटर्स आर यूज फॉर ऑफिशियल एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। ये सबको क्लियर है? अगर इनफॉर्मल लेटर जो है पर्सनल कम्युनिकेशन एंड कैजुअल कम्युनिकेशन के लिए होता है, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन जो रहेगा प्रोफेशनल एज वेल एज ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाएगा। They are written with a well particular defined object or set of object in mind. ठीक है, as opposed to informal letter, there is a manner prescribed for writing formal letter. ये भी हमने discuss किया।
जिस हिसाब से इनफॉर्मल लेटर को लिखने का कोई फॉर्मेट नहीं होता, कोई स्पेसिफाइड लैंग्वेज नहीं होती, उसके अपोजिट में फॉर्मल लेटर को लिखने के लिए एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट होता है, स्पेसिफाइड लैंग्वेज होती है, स्पेसिफाइड सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशन एंड इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिससे आप फॉर्मल लेटर को लिखते हो। ठीक है, अब जो होता है ना, फॉर्मल लेटर जो है कितने कितने टाइप के हो सकते हैं। रिकमेंडेशन लेटर हो सकता है। रिकमेंडेशन लेटर पता है सबको क्या होता है? आप किसी को रिकमेंड कर रहे हो। सपोज कल हमने कवर लेटर लिखा था जॉब इंटरव्यू के लिए, रेज्यूमे भेजा था हमने। अब जिसका हमने रेफरेंस में नाम लिखा, वो पर्सन अगर हमारी पैरवी करते हुए कोई लेटर लिखता है फे फर्नांडिस को कि ये पर्सन जो है मेरा नोन है, अच्छा पर्सन है, आप इसको जॉब दो, उसे बोलेंगे हम रिकमेंडेशन लेटर। आप कंप्लेंट लेटर देख सकते हो। कंप्लेंट लेटर देखा था ना, ग्रीवियंसेस, कंप्लेंट, सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर्स। ठीक है, जॉब एप्लीकेशन के लिए लेटर लिखोगे वो फॉर्मल लेटर के अंदर काउंट होगा। लेटर टू द एडिटर, एडिटर मतलब अखबार का संपादक होता है ना, उसको कोई लेटर लिखोगे वो फॉर्मल लेटर रहेगा। फॉर्मल लेटर्स आर यूज फॉर मेनी पर्पजेस। फर्स्ट इज दैट दे ओपन टू ओपन चैनल्स फॉर कम्युनिकेशन दैट विल एड यू इन रिसीविंग डिजायरेबल रिस्पॉन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मल जो लेटर रहेगा, फॉर्मल चिट्ठी रहेगी, क्या करेगी? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वो कम्युनिकेशन का रास्ता खोल देगी आपके। सपोज आपने जो है सुपीरियर से कंप्लेंट करी कोई चीज़ को लेकर के, तो क्या कम्युनिकेशन का चैनल खुल गया? राइट, आपने कंप्लेंट करी और सुपीरियर ने उसका रिस्पॉन्स दिया, तो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन चैनल ओपन हो गया। आपने अपनी प्रॉब्लम, अपनी कोई भी ग्रीवियंसेस, कुछ भी इशू आ रहा है, आपने अपने सुपीरियर को बताया, तो उसने आपको रिप्लाई किया, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन फॉर्म हो गया, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन खुल गया। अब ये चैनल ऑफ कम्युनिकेशन क्यों खुला है? ताकि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी जो प्रॉब्लम है, अपना ग्रीवियंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो सुपीरियर को बता सको। सुपीरियर को ऑन द सेम हैंड पता चले कि आपके साथ क्या दिक्कत आ रही है, और वो उस चीज़ का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन निकालने के लिए काम करे या डिसीजन ले आगे जा करके। ठीक है, सेकेंड थिंग, सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, प्रिपेयरिंग एंड इंक्वायरिंग अबाउट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। एक तो होता है तरीका फॉर्मल लेटर लिखने के लिए कि भैया आप अपने कोई प्रॉब्लम, कोई तो भी इश्यू कुछ आप बताओ किसी को। दूसरी चीज़ होती है जॉब एप्लीकेशन वगैरह के लिए आप अप्लाई करो। तीसरी चीज़ होती है कि भैया आप है ना दूसरे अपने क्लाइंट से, सुपीरियर से, सबॉर्डिनेट से फॉर्मली एक दूसरे से बात कर सको। चौथा इसका एक और रिक्वायरमेंट होती है, एक और यूज़ होता है फॉर्मल लेटर लिखने का, वो यूज़ होता है अबाउट इंक्वायरिंग ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, सपोज आप लोग किसी बड़ी फर्म के अंदर काम करते हो, इस फर्म को अभी अपने ऑफिस की सारी चेयर टेबलें बदलनी है इनको। ठीक है, तो आप क्या करोगे, डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स जो रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट दुकानदार जो होते हैं, उनको आप सब जो है लेटर लिख करके, फॉर्मल लेटर लिख करके वहाँ से प्राइसेस की जानकारी ले सकते हो कि वी एज एबीसी कॉरपोरेशन वॉन्ट्स टू चेंज ऑल आर फर्नीचर इन द ऑफिस, वी विल रिक्वायरिंग टोटल नंबर ऑफ 100 नंबर ऑफ चेयर्स एंड 200 नंबर ऑफ टेबल्स। ठीक है, प्लीज गिव अस अ स्मॉल कोटेशन। वो पर्सन उस लेटर को रिसीव करेगा, उसे समझ में आ जाएगा कि आपके पास में, आपके ऑफिस में फर्नीचर चेंज करने की रिक्वायरमेंट हो रखी है, उसके पास में जो जो भी फर्नीचर, जिस कंपनी का, जिस मटेरियल का जो फर्नीचर होगा, वो उसकी बनाएगा क्या एक पर्ची, और वो आपको भेज देगा कि सर ये तो मेरा फर्नीचर रहा, ये इस मटेरियल का, ये उस मटेरियल का, ये इनकी कॉस्ट है, आपको जितना जो चाहिए हो वो मुझको आप ऑर्डर कर देना, मैं आपकी जगह पे डिलीवर करवा दूंगा। ठीक है, ऑफिशियल लेटर्स, ऑफिशियल और फॉर्मल लेटर्स। नाउ फॉर्मल लेटर्स भी जो है कुछ एक कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स, समझ गए आप लोग? फॉर मेकिंग इंक्वायरीज, फर्नीचर चाहिए इंक्वायरी करी अपने, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, सबॉर्डिनेट ने सुपीरियर को अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाई, आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल द चेयरमैन वॉन्ट्स टू नो कि इस साल जो है सेल्स का फिगर अभी तक क्या चल रहा है, तो चेयरमैन जो है सेल्स वाले को चिट्ठी लिख सकता है कि मेरे को अगली चिट्ठी के रिस्पॉन्स से मुझे बताओ कि अभी तक सेल्स का कितना फिगर आ चुका है और हमारा ईयर एंड तक हम और कितनी सेल्स करना कर सकते हैं या करना चाहते हैं। ठीक है, प्लेसिंग और कैंसलिंग ऑर्डर, सपोज आपने इंक्वायरी कर ली फर्नीचर की। ठीक है, अब उस पर्सन ने आपको कोटेशन भी भेज दिया कि सर एक चेयर जो है 1,000 रुपये की पड़ेगी, एक टेबल 2,000 रुपये की पड़ेगी, कुल मिला के आपका इतना फर्नीचर का इतना रुपया आता है।
अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर आपको उसको ऑर्डर करना होगा, कंफर्म करना होगा, तो आप वापस ऑफिशियल कम्युनिकेशन या फॉर्मल लेटर लिखोगे उसको कि यस वी वांट दिस दिस अमाउंट ऑफ चेयर एंड दिस दिस अमाउंट ऑफ टेबल्स, प्लीज सेंड टू अस एज सून एज पॉसिबल. प्लेसिंग ऑर्डर या ऑलरेडी प्लेस्ड ऑर्डर है तो उसे कैंसिल करने के लिए भी फॉर्मल लेटर भेजा जा सकता है. इट कम्स ऑल अंडर बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स. सेंडिंग रिप्लाइज इन रिस्पॉन्स टू इंक्वायरीज, कंप्लेंट एटसेट्रा. ठीक है. सेकेंड काइंड ऑफ फॉर्मल लेटर आर द लेटर्स हाईलाइटिंग सिविक प्रॉब्लम्स. सिविक मतलब गाड़ी वाली सिविक नहीं, सिविक मतलब सिविक्स पढ़ी ना अपने, सिवियोलॉजी पढ़ी ना आप लोगों ने, सोशल स्टडीज पढ़ी है अपने. ठीक है, उसमें यार हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, सिविक्स में क्या बोलते हैं यार, सामाजिक, सामाजिक विज्ञान है ना, सामाजिक विज्ञान पढ़ा है. सामाजिक परेशानियों को बताने के लिए, जताने के लिए भी आप ऑफिशियल लेटर लिख सकते हो. अब सामाजिक परेशानियों को बताने के लिए, जताने के लिए आप ऑफिशियल लेटर किसको लिखोगे, आप नगर पालिका, नगर निगम, आप अखबार के संपादक को भी लिख सकते हो आप कि टू द एडिटर इन चीफ टाइम्स ऑफ इंडिया, देयर इज अ प्रॉब्लम, ये समाज में ये प्रॉब्लम चल रही है, उसके अगेंस्ट पे या उसके सपोर्ट में हम कुछ लिखना चाहते हैं, अपने विचार विमर्श व्यक्त करना चाहते हैं. एंड थर्ड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉर्मल लेटर्स कैन ऑल्सो बी रिटन फॉर अ जॉब एप्लीकेशन. ठीक है, कल हमने जॉब एप्लीकेशन के लेटर लिखा था ना, कवर लेटर ले बोलते हैं उसको, राइट, जॉब एप्लीकेशन के लिए लेटर लिखना. ठीक है, नाउ इट सेज देर आर सर्टेन पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर्ड वाइल ड्राफ्टिंग अ फॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर ड्राफ्ट करने के लिए भी सर्टेन स्पेसिफाइड पॉइंट्स होते हैं, सर्टेन स्पेसिफाइड जो होता है एक मैनर होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जिसको फॉलो करके ही आप जो है एक फॉर्मल लेटर को ड्राफ्ट कर सकते हो. ठीक है, लेट्स सी क्या क्या होता है. नंबर वन पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड वाइल ड्राफ्टिंग अ फॉर्मल लेटर इज टू यूज अ स्पेसिफाइड फॉर्मैट. ऊपर पढ़ा था अपन ने ये, ठीक है, कि फॉर्मल लेटर जब भी लिखेंगे तो उसे एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में लिखेंगे. कवर लेटर लिखा जाएगा तो हमेशा उसमें सबसे पहले अपना एड्रेस, फिर डेट, फिर जिसको आप भेज रहे हो उसका नाम, उसका एड्रेस, फिर डियर सर, डियर मैम, सब्जेक्ट, बॉडी ऑफ द लेटर, योर सिंसियरली, नीचे ब्रैकेट के अंदर कैपिटल में नेम लिख के सिग्नेचर्स, ये एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट आएगा ही आएगा. ठीक है, ये तो बात हो गई इन केस ऑफ अ कवर लेटर. एप्लीकेशन के लिए भी अलग फॉर्मेट होता है. अपन स्कूल के अंदर लिखा है आप लोगों ने सबने जॉब, ये अपने लीव एप्लीकेशन लिखी सब आप लोगों ने, है ना, द प्रिंसिपल एक्स वाई जी स्कूल, सब्जेक्ट आई बेग टू स्टेट दैट आई वोंट बी एबल टू अटेंड द स्कूल. तो वॉज देर अ स्पेसिफिक फॉर्मेट या फिर बस उसके अंदर लिख दिया प्रिय प्रिंसिपल साहब आज नहीं आ रहा, दो दिन बाद से आऊँगा, ऐसे थोड़े लिखते थे, नहीं ना गाइज, ऐसे लिखते थे, स्पेसिफाइड फॉर्मेट में लिखते थे, राइट. नोटिस होता है, मेमो रहता है, सब चीज़ को लिखने का एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट होता है. ठीक है, अगर आप नोटिस लिख रहे हो, एक मेमो लिख रहे हो, तो उसके ऊपर नोटिस और मेमो कैपिटल में आना चाहिए, मतलब आना चाहिए. आप एक एप्लीकेशन लिख रहे हो, आप एक फॉर्मल लेटर लिख रहे हो, तो उसका स्पेसिफाइड फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, तो वो करना ही है, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है, उसको नहीं फॉलो करने का कोई आपके पास में रीज़न या मतलब नहीं है आपके पास में. ठीक है, सेकेंड पॉइंट टू रिमेंबर वाइल ड्राफ्टिंग अ फॉर्मल लेटर इज लीव अ लाइन और एडिशनल स्पेसेस बिटवीन पैराग्राफ. आप जब भी दो पैराग्राफ के बीच में आप ये जगह आपको छोड़नी रहेगी. आपने एक पैराग्राफ खत्म किया, आप दूसरा पैराग्राफ चालू कर रहे हो, उसके बीच में इतनी स्पेस तो आप छोड़ो कम से कम कि अगले को समझ में आए कि हाँ ये अगला पैराग्राफ चालू हो रहा है. आपने लाइन के एंड में पैराग्राफ खत्म किया और नेक्स्ट लाइन में उसके नीचे से पैराग्राफ चालू कर दिया, तो वो लगेगा कि एक सेम पैराग्राफ में सब चीज़ लिखी हुई है ये. ठीक है, अभी जब हमने कवर लेटर भी जब हमने लिखा था तो उसके अंदर हमने क्या किया था, सबसे पहले सैल्यूटेशन था कि ना आई केम अक्रॉस योर दिस थिंग एडवर्टीजमेंट इन दिस दिस पर्टिकुलर थिंग, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम. सेकेंड पैराग्राफ में क्या था कि भाई मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, और थर्ड पैराग्राफ के अंदर क्या था कि इससे पहले मैंने और क्या काम कर रखा है जो जिसका एक्सपीरियंस मुझे इस जॉब एक्सपीरियंस में काम आएगा, राइट. लगभग लगभग सबने ऐसा ही लिखा है, हाँ, ये किसी ने ऐसे लिखा है, किसी ने निबंध लिखा है, नहीं ना, ठीक है. सो बेसिकली आप जब भी पैराग्राफ्स लिखोगे, आप जब दो बातें लिखोगे उसके बीच में इनफ गैप छोड़ोगे ताकि उसके बीच में जो है एक लॉजिकल गैप जो है ब्रिज बन सके अपना. ठीक है, अब पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल ड्राफ्टिंग अ फॉर्मल लेटर, द थर्ड पॉइंट इज दैट यू शुड
स्टेट योर रीजन फॉर राइटिंग इन योर फर्स्ट पैराग्राफ। कवर लेटर लिखा अपन ने, सबसे पहले पैराग्राफ में क्या लिखा था? आपकी जॉब वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट देखा मैंने कहाँ पे? कल वाले हिसाब से लिंक्डइन पे। मैं उस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, राइट और नॉट? तो आप जो फॉर्मल लेटर लिख रहे हो उसका जो सब्जेक्ट होगा या उसका जो भी रीजन होगा वो हमेशा आपको सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में लिखना है। फॉर्मल लेटर, अगर मानो आपको सिविक प्रॉब्लम, लेट से आपकी गली में गड्ढा हो गया है, ठीक है, नगर पालिका भर नहीं रही है उस गड्ढे को, और आप उस गड्ढे से रिलेटेड एक लेटर लिखना चाहते हो कहाँ को? नगर निगम को। तो आप जब भी लेटर लिखोगे तो पहले पैराग्राफ में यही लिखोगे ना कि मैं एक्स वाई जी पर्सन हूँ, इस एरिया का निवासी हूँ, और हमारी गली के अंदर एक बड़ा गड्ढा हो गया है जिसको अभी तक भरा नहीं गया है। या पहले पैराग्राफ में ऐसा लिखना चालू कर दोगे, कल यहाँ से दो गाड़ियाँ गुजर रही थी, वो अचानक से गड्ढे में गिर गई। नहीं ना, सबसे पहले आप अपना रीज़न लिखोगे लेटर लिखने का, उसके बाद उस रीज़न को सपोर्ट करते हुए आगे के पैराग्राफ लिखोगे। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल फॉर्मिंग और ड्राफ्टिंग अ फॉर्मल लेटर इज कीप द लैंग्वेज सिंपल। आपको अपनी लैंग्वेज सिंपल और अंडरस्टैंडेबल रखनी है। आप अच्छे वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ रिक्वायर्ड, पर आपका जो पैराग्राफ रहेगा, जो लॉजिकल ब्रिज बिटवीन पैराग्राफ रहेगा, वो सिंपल और रीडेबल रहेगा। ठीक है, शशि थरूर वाले वर्ड्स यूज़ करने कर सकते हो, बट स्टिल उनको इतना यूज़ नहीं करना कि अगले पढ़ने वाले को समझ ही ना आए। ओके, जैसे किसी ने बताया था यहाँ पे जलेबी का इंग्लिश, किसी ने बताया था शायद, ये समोसे का इंग्लिश बताया था किसी ने, रिजॉल्व। हाँ, यस्टरडे आई वॉज हैविंग रिजॉल्व एंड उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई। अगला पर्सन सुन के समझेगा ही नहीं कि बोलने का चाह रहा है। कल मैं समोसा खा रहा था और मेरी तबीयत खराब हो गई, ये फिर भी समझ में आएगा। सर, आई हैव माई वेडिंग इन 15 डेज, आई वॉन्ट टू टेक लीव फॉर 15 डेज, वेन आई कम बैक आई विल ब्रिंग रिजॉल्व एंड फनल केक्स फॉर यू। अगला बोलेगा, भाई क्या ला रहा है ये, क्या मारने पीटने का सामान ला रहा है? नहीं, समोसा जलेबी लाऊंगा इज मच बेटर एंड एक्सेप्टेबल लैंग्वेज रेदर देन एक्सेप्टिंग कि आई विल ब्रिंग रिजॉल्व एंड फनल केक्स। ठीक है, सो आपकी लैंग्वेज जो रहेगी ना, इवन इन अ ऑफिशियल फॉर्मल लेटर, वो सिंपल रहेगी, रीडेबल रहेगी एंड सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल रहेगी। क्लियर है? कुछ क्वेरी है किसी को बता दो अभी भी, नहीं आगे चले। नाउ द अदर पॉइंट कम टू रिमेंबर व्हाइल ड्राफ्टिंग अ फॉर्मल लेटर इज एट ऑल टाइम्स एड डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन दैट विल मेक द एड्रेसी टेक ईजी। सपोज आपके गली में गड्ढा हो गया है, आपने उसकी शिकायत करने के लिए नगर निगम को या JDA को आपने लिखी एप्लीकेशन, आपने सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा आपने? नहीं नहीं पहले एड्रेस, उसमें पैराग्राफ के अंदर आपने अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया, आपने रीजन बताया कि मैं लेटर क्यों लिख रहा हूं, लेटर क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि गली में गड्ढा हो गया है, उससे लोगों को परेशानी हो रही, इस वजह से मैं आपको लिख रहा हूं लेटर। अब जो आप उसके बाद में और पैराग्राफ में लिखोगे, आप उस चीज को सपोर्ट करोगे, अपना रीजन को सपोर्ट करोगे, तकलीफ क्यों हो रही है, गड्ढा हो गया है, कैसे कैसे तकलीफ हो रही है, गाड़ियां नहीं आ जा पा रही हैं, ठीक है, बच्चे खेलते खेलते माइट भी उसके पास जाके गिर रहे हैं, पेट्स जाके उसके अंदर गिर रहे हैं, कुछ हो रहा है, अंदर से बिजली की तारें हैं जिसमें करंट लगने का डर है जिसके अंदर, तो जो भी उसके रीजंस होंगे आपको सपोर्ट करने के लिए आगे उसमें लिखने पड़ेंगे उसके। ठीक है, इफ़ यू आर राइटिंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन टू अप्लाई फॉर अ जॉब, मेंशन द पोस्ट यू आर अप्लाइंग फॉर, ये भी क्लियर है। जैसे कल कवर लेटर के अंदर हमने जॉब एप्लीकेशन के बारे में लिखा था, हमने कहीं अप्लाई करे थे हम लोग, ठीक है, तो इसमें लिखा है इफ यू आर राइटिंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर अप्लाइंग अ जॉब, मेंशन द पोस्ट यू आर अप्लाइंग फॉर। अपन ने एग्जांपल किया था तो उसके अंदर कविता ने क्या बोला था, आई वांट टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ एयर होस्टेस इन एयर अटलांटिक, या उसने से वैसे लिखा था आई वांट टू अप्लाई इन एयर अटलांटिक। अपने आप गेस करते फिरो मैं कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रही हूं मैं, नहीं ना पायलट, कौन बोला पायलट। ठीक है, सो एनीवे आप जो भी फॉर्मल लेटर लिख रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन तो लिखोगे ही लिखोगे,
उसके साथ में आपको ये भी लिखना है, उस रीजन को सपोर्ट करते हुए सारे आपको तथ्य भी लिखने हैं उसके अंदर, कि क्या चीज़ उसे परेशानी हो रही है, क्या क्या चीज़ उससे और हो सकती है जो गलत हो सकती है, ठीक है। नाउ इफ यू आर राइटिंग टू अ सर्विस सेंटर, सर्विस सेंटर एज इन फॉर व्हाट, सपोज आप लोगों ने गाड़ी खरीदी, गाड़ी में कोई चीज आपका जो है ना माल फंक्शन कर रही है, लेट्स से आपका आजकल स्टीरियो सिस्टम लगाता है ना गाड़ी के, टच स्क्रीन वाला, सपोज किसी की गाड़ी का स्टीरियो सिस्टम जो है वो माल फंक्शन कर रहा है, ढंग से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, सही कौन करेगा उसको? सर्विस सेंटर, गाड़ी की कंपनी वाले सही करेंगे। तो आप उनको जब चिट्ठी भेजोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखोगे आप? रीजन, मैं आपको चिट्ठी क्यों लिख रहा हूं, गाड़ी का स्टीरियो सिस्टम काम नहीं कर रहा है। सेकेंड पैराग्राफ के अंदर आप उस रीजन को सपोर्ट करोगे कि यार बहुत धूप में खड़ी रहती थी इसलिए सपोर्ट नहीं करता है, जिस दिन से खरीदी उसी दिन से नहीं चल रहा, या रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं चल रहा, या फिर FM नहीं चल रहा है, व्हाटसो एवर थिंग। आप उसके बाद में क्या लिखोगे? आप उसके बाद में अपने प्रॉब्लम का डिटेल्स लिखोगे। अगर आपकी गाड़ी का सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो आपने गाड़ी कौन से महीने में खरीदी, कौन से डीलर से खरीदी, वो गाड़ी का कौन सा मेक है, कौन सा मॉडल है, क्या है, वो सब आपको उस चीज़ में मेंशन करना पड़ेगा। सपोज फॉर एन एग्जांपल, लेट्स से बलेनो, बलेनो अल्फा के ना टच स्क्रीन आता है, लेकिन उससे नीचे वाले कौन सा नीचे बेटे का वेरियंट होता है, डेल्टा वेरियंट के अंदर बटन वाला वो आता है स्टीरियो सिस्टम, ठीक है। तो अगर मेरे पास में अल्फा वेरियंट है मेरे पास में, और मैं उसके स्टीरियो सिस्टम की कंप्लेंट करना चाहता हूँ, तो मैं अपनी गाड़ी का पूरा मॉडल जो है मेंशन करूँगा, बलेनो मॉडल का नेम अल्फा, ईयर ऑफ परचेज ये, मंथ ऑफ परचेज ये। अगर सपोज मैं अपनी गाड़ी का मॉडल और गाड़ी का वेरिएंट अगर मेंशन नहीं करूँ, तो मैं कंप्लेंट तो करूँ टच स्क्रीन के बारे में और वो सर्विस सेंटर में भिजवा दे बटन वाला स्टीरियो सिस्टम, या मैं कंप्लेंट तो करूँ बटन वाले के बारे में और वो लोग भिजवा दे टच स्क्रीन वाला सिस्टम, ठीक है। सो आप कोई भी कंप्लेंट करोगे सर्विस सेंटर पे या कोई अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन भी देनी है इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट कम्स, इफ यू विश टू रिफर टू प्रीवियस लेटर ऑफ कॉन्वर्जेशन, पेमेंट्स एटसेट्रा, प्रोवाइड डिटेल्स सच एज डेट, इनवाइस नंबर, कोटेशन, चेक नंबर एटसेट्रा। सपोज आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले हमने जो फर्नीचर की कोटेशन मांगी थी हम लोगों ने, ठीक है, मांगी थी नहीं मांगी थी? फर्नीचर की कोटेशन लेने के बाद में ऑर्डर कंफर्म करने के लिए सपोज आपने जो है 2 लाख रुपए का चेक अगले पर्सन को दे दिया, ठीक है, 2 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, सामान ही नहीं आया आपका। अब आपने उसको वापस कम्युनिकेशन लेटर लिखा कि ना हमने जो है आपको ऑर्डर प्लेस किया था, ऑर्डर के अगेंस्ट मैंने पेमेंट भी आपको कर दिया था। अब वो पूछेगा पेमेंट कैसे किया, कहाँ किया, मुझको तो आइडिया ही नहीं। तो आपको उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी रहेगी, इस चेक नंबर से, इस अकाउंट नंबर से, इस बैंक के इस अकाउंट नंबर से, इस डेट को ये चेक इशू किया गया जो आपके खाते में क्रेडिट हो गया, इसका मतलब पैसा आपको मिल गया है। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव मी माई प्रोडक्ट, हाँ, फर्नीचर, ठीक है। अनदर थिंग टू रिमेंबर वाइल ड्राफ्टिंग अ फॉर्मल लेटर इज टू बी ऑलवेज जेंटल एंड कर्टियस, ओके। ये तो हमेशा ही होता है ना कम्युनिकेशन के अंदर, फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल, नॉन वर्बल, व्हाटसोएवर, है ना। मेरी गाड़ी का सिस्टम खराब हो गया, अभी कभी चेंज करके दे मेरे को, नॉट एट ऑल कर्टियस, जेंटल तो किसी हालत में भी नहीं था ये। डियर सर, द सिस्टम ऑफ माई कार इज माल फंक्शनिंग, आई वुड लाइक टू रिप्लेस इट, इट्स अंडर वारंटी। ये ज्यादा कर्टियस एंड जेंटल हुआ या पहले वाला ज्यादा कर्टियस एंड जेंटल था? ये वाला, यस। तो वेन एवर यू आर राइटिंग अ फॉर्मल लेटर, इवन इनफॉर्मल वन ऑल्सो, ऑलवेज बी जेंटल एंड कर्टियस। और दोस्त कैसा है, बढ़िया चल रहा है तेरा? हाँ, सुना है बड़ा छाप रहा है आजकल तू, जेंटल तो नहीं था, ठीक है। और भाई क्या हालचाल, मैंने सुना अपनी करियर में बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हो तुम, कर्टियस एंड जेंटल, ठीक है, गॉट इट, सबको समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट भी ये, डू नॉट फॉरगेट टू बी पोलाइट इवन इफ इट्स अ कंप्लेंट लेटर यू आर राइटिंग। क्या वाहियात गाड़ी बना के भेजी है, सिस्टम काम नहीं करता साला इसके अंदर, पोलाइट, गुड चॉइस ऑफ वर्ड्स, राइट, ऑलवेज बी पोलाइट, कंप्लेन लेटर भी हो तब भी पोलाइट। अरे यार गड्ढा कर दिया इन लोगों ने यार, क्या कर रहे हो तुम लोग यार, कुछ काम नहीं करते हो, नहीं, नगर पालिका मीम वैसा तो बिल्कुल मत बोल देना। नगर पालिका मीम देखा किसी ने यूट्यूब पर? देखना, क्लास के बाद देखना, ठीक है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चेक टू एंश्योर दैट योर लेटर इज फ्री फ्रॉम एनी मिस्टेक दैट इज ग्रामेटिकल और स्पेलिंग. ठीक है, ग्रामर में और स्पेलिंग में कोई आपका वो नहीं होना चाहिए. ठीक है, सपोज गाड़ी का टायर खराब है तो आप गाड़ी के टायर की स्पेलिंग TYRE लिखोगे तो उसे समझ में आएगा. TIRE लिखोगे तो बोलेगा यार थक रहा है तो ये मुझे क्यों लिख रहा है ये. TIRE टायर मतलब थक जाना, TYRE टायर मतलब गाड़ी का पहिया. तो आप गाड़ी के पहिए कंप्लेन कर दो, गाड़ी के पहिए के बारे में लिखो सही स्पेलिंग के साथ में. ये थक रहा है और मुझे लेटर लिख रहा है, लॉजिकल ब्रिज बनेगा ही नहीं, कोहेरेंस फॉर्म ही नहीं होगी दोनों सेंटेंस के बीच में. ठीक है, ओके. एक छोटा सा फॉर्मेट देख लेते हैं फॉर्मल लेटर का. देखो फॉर्मल लेटर का ये फॉर्मेट देखने से पहले सबसे बेस्ट तुम्हें ना कल का कवर लेटर ही सुन लो मेरे से. एक काम करो, वो फॉर्मल लेटर होता है ठीक है, सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में अपन ने क्या लिखा था, हैंड रेस करके बताओगे जो बताएगा अब. प्रीति आप बताओ सबसे. गाइज ऑल आइज ऑन मी. सबसे पहले ऊपर आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिखोगे सेंडर्स एड्रेस, राइट. जो पर्सन लेटर को भेज रहा है राइट, उसके नीचे क्या लिखेंगे अपन, उसके नीचे लिखेंगे तारीख, कौन सी डेट को भेज रहे हो. उसके नीचे लिखोगे आप, अरे बोल रही है ना वो, बोलने दो एक बार. हाँ, डेजिग्नेशन ऑफ रिसीवर, लेट्स से नेम ऑफ द एड्रेस ही. आप जिस पर्सन को भेजना चाहते हो जो उस ऑर्गेनाइजेशन में जिस पोस्ट पर बैठता है. लेट्स से कल वाले में हमने क्या लिखा था, द HR डायरेक्टर कैप जेमिनी लिमिटेड ठाणे वेस्ट हीरांदानी एस्टेट जो भी था, व्हाटएवर एड्रेस वाज देयर मुंबई. ठीक है, सबसे पहले आया सेंडर एड्रेस, डेट आया, नेम ऑफ एड्रेस ही आ गया, एड्रेस ऑफ द एड्रेस ही आ गया. अब सैल्यूटेशन, डियर सर, डियर मैम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम. उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, डियर सर. उसके बाद सब्जेक्ट लिखूंगा मैं कि प्रॉब्लम इन माय स्टीरियो सिस्टम इन माय कार. ठीक है, उसके बाद आप कंटेंट लिखोगे. कंटेंट मतलब बॉडी ऑफ द लेटर. बॉडी ऑफ द लेटर में सबसे पहले क्या लिखोगे, आपका इंट्रोडक्शन. ठीक है, उसके बाद में आप लिखोगे टोटल बॉडी. ठीक है, सपोज इंट्रोडक्शन मतलब आई एम एक्स वाई जी पर्सन, आई बॉट अ कौन सी गाड़ी, लेट्स से सुजुकी बलेनो इन दिस पर्टिकुलर ईयर, इट द मॉडल इज अल्फा वेरिएंट, उसके अंदर टच स्क्रीन सिस्टम इज नॉट वर्किंग. फिर बॉडी आप लिखोगे, उस चीज़ को सपोर्ट करते हुए आप आगे सिस्टम लिखोगे. लास्ट में आप कंक्लूजन लिखोगे, एज अ कस्टमर आई एक्सपेक्ट दैट द सर्विस सेंटर शुड चेंज द सिस्टम इन माई कार. ठीक है, कंक्लूजन लिखोगे ना आप, भाई आपने प्रॉब्लम बता दी, आपने प्रॉब्लम को सपोर्ट करते हुए आपने सारा टेक्स्ट लिख दिया. अब आप उनको ये भी तो अपनी इच्छा जाहिर करोगे ना, मैं क्या चाहता हूँ उस चीज़ से रिलेटेड. अब जो इस पर्सन को आप फॉर्मल लेटर भेज रहे हो वो इस कम्युनिकेशन को एक्सेप्ट करेगा. एक्सेप्ट करने के बाद में क्या देगा, अपना क्या देगा, फीडबैक. फीडबैक या तो हाँ हो सकता है या तो ना हो सकता है राइट. मैंने अपनी तरफ से इच्छा जाहिर की कि मेरी गाड़ी का टच स्क्रीन सिस्टम अच्छा नहीं चल रहा है, मैं चाहता हूँ कंपनी उसको चेंज करके दे. अब कंपनी दो रिप्लाई कर सकती है कि येस वी आर चेंजिंग इट, नो वी विल नॉट चेंज इट. ठीक है, लास्ट में आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर आता है, योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, बेस्ट रिगार्ड्स, ये चीज़ वो चीज़. उसके बाद आता है सबसे नीचे ब्रैकेट के अंदर अपना नाम कैपिटल लेटर में, योर सिंसेरली, और ब्रैकेट में नाम लिखा है उसके बीच में आता है क्या, आपका सिग्नेचर. सपोज यहां लिख दिया मैंने योर्स ट्रूली, ठीक है, नाम आ गया. अब बीच में क्या आएगा, सिग्नेचर. क्या क्या लिख सकते हैं, किसके सिग्नेचर कर सकते हैं, ब्रैकेट के नीचे नहीं करते हैं. सुनो, इनका क्वेश्चन है क्या ब्रैकेट के नीचे सिग्नेचर कर सकते हैं क्या. आपका सिग्नेचर आएगा, लेट्स से अगर जैसे मेरा नाम मैंने लिखा यहां पे उत्कर्ष टिक्कू और मेरा सिग्नेचर है, क्या ये सिग्नेचर देखिए कहीं भी समझ में आ रहा है कि किसका सिग्नेचर हो सकता है, नहीं ना. तो इसलिए मेरे को नीचे ब्रैकेट में अपना नाम लिखना रहेगा ताकि मैं डिनोट कर सकूं कि ये पर्टिकुलर सिग्नेचर जो है ये किस पर्सन का सिग्नेचर है ये. ठीक है, गॉट इट.
कुछ क्वेरी आज के सेशन में? ओके, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। कुछ क्वेरी तो मुझे अभी बता दो। पीपल इन द जूम कॉल एक बार इनको देख लेते हैं एक बार। मेरे इंदरजीत, अभी मेरी वॉइस आ रही है क्या आपको? स्वॉट नमन, अपन स्वॉट एनालिसिस जो है आप मेरे को व्हाट्सएप पे पूछना है एक बार के लिए। संजय का सो मेरा नंबर है, वो भी मैं नंबर को दे रहा है मेरे को। ओके चलो, पीपल इन द जूम कॉल हैव अ गुड डे अहेड। आपका कोई भी क्वेरी हो मुझे व्हाट्सएप कर देना मेरे को, ठीक है? हैव अ गुड डे अहेड, आई सी यू ऑल टुमारो। मेरा नंबर लिख लो, एक काम करो प्लीज़ राइट डाउन, 9619960698। आई रिपीट इट अगेन, 9619960698। हैव अ गुड डे अहेड गाइस, टेक केयर, आई सी यू ऑल टुमारो।